गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको अ फॉर द कैट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है चैप्टर वन है अ बेल फॉर द कैट बिल्ली के लिए घंटी तो इस कहानी में जो एनिमल्स है उनको बातें करते हुए बताया गया है तो जिसमें जो चूहे हैं वो बिल्ली से परेशान होते हैं और उससे बचने के लिए वह एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उसके गले में घंटी बांधी जाए ताकि उसकी आवाज़ सुन के वो भाग सके वहाँ से तो यही कहानी है इस कहानी के हम क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे क्वेश्चन वन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इन ईच सेट तो आपके पास दो दो ऑप्शन दी गई है जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है उसी को आपने राइट right टिक करना है आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन वन को और ऑप्शन वन देखिए द कैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द माइस इसका अर्थ यह है कि जो बिल्ली है वह चूहों के लिए समस्या बन गई थी और दूसरी ऑप्शन है द माइस वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द कैट कि जो चूहे हैं वह बिल्ली के लिए समस्या बन गए थे तो इनमें राइट ऑप्शन है द कैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द माइस बिल्ली चूहों के लिए समस्या बन गई थी वह उनको मुसीबत बन गई थी इसलिए यह राइट है इसको राइट ही करना है नंबर टू द कैट एट मैनी माइस डेली बिल्ली बहुत से चूहे रोज़ खा जाती थी नंबर टू ऑप्शन है इसका द माउस एट मैनी कैट्स डेली चूहे बिल्लियों को बहुत सारी बिल्लियों को खा जाते थे तो राइट ऑप्शन है पहला वाला द कैट एट मैनी माइस डेली बिल्ली बहुत सारे चूहे प्रतिदिन खा जाती थी नंबर थ्री द माइस हैड अ मीटिंग चूहों ने मीटिंग बुलाई थी नंबर नेक्स्ट तो इसमें दूसरी ऑप्शन है द कैट द कैट्स हैड अ मीटिंग बिल्ली ने मीटिंग बुलाई थी तो राइट right ऑप्शन है पहला वाला द माइस हैड मीटिंग चूहो ने मीटिंग बुलाई थी नंबर फोर इट वॉज इजी टू बैल द कैट यह आसान था कि बिल्ली को घंटी बांध सकते थे यह आसान बात थी दूसरी ऑप्शन है इट वॉज नॉट इजी टू बैल द कैट यह आसान नहीं था कि बिल्ली को घंटी बांधी जाए तो इसमें राइट right ऑप्शन है दूसरी वाली इट वॉज नॉट इजी टू बैल द कैट यह आसान नहीं था कि बिल्ली को घंटी बांधी जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर फॉर इच स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन दिया गया है और दो ऑप्शन दी गई है प्रत्येक क्वेश्चन की आप और आपने इसमें राइट ऑप्शन को टिक करना है नंबर वन है हु हैड अ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन है हु हैड अ प्रॉब्लम किसे समस्या थी तो दो ऑप्शन है पहला है द कैट और दूसरा है द माइस तो चूहों को समस्या थी इसलिए द माइस को आपने राइट टिक करना है क्वेश्चन नंबर टू व्हाई डिड द माइस अ मीटिंग चूहों ने मीटिंग क्यों बुलाई थी दो ऑप्शंस दी गई है आपके पास टू फाइंड अ वे टू बेल द कैट यह तय करने के लिए कि कैसे बिल्ली को घंटी बांधी जा सके इसका रास्ता उसको उनको ढूंढने के लिए इस समस्या के समाधान के लिए या फिर दूसरी ऑप्शन है टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स उनकी जो समस्या है उसको वो कैसे सॉल्व करे उसको कैसे सुलझाए यह जानने के लिए यह इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी तो दूसरी ऑप्शन सही है टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर मीटिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स तो उन्होंने अपनी समस्या को के रास्ता ढूंढने के लिए मीटिंग बुलाई थी तो नंबर थ्री क्वेश्चन है व्हाट डिड द लिटिल माउस जस्ट नन्हे चूहे ने क्या सलाह दी नंबर वन है इसमें ऑप्शन नंबर वन टू किल द कैट बिल्ली को मार दिया जाए और ऑप्शन टू है टू बेल द कैट बिल्ली को घंटी बांधी जाए तो दूसरी ऑप्शन सही है टू बेल द कैट इसलिए इसको राइट टिक करना है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कुड अ बेल ऑन हाउ कुड दल ऑन द कैट हेल्प द माइस जो बेल है जो घंटी है उससे उन चूहों को क्या मदद मिल सकती थी अगर वो उस घंटी को बिल्ली को बांध देते ऑप्शन वन है दे कुड रिंग द बेल वैन द कैट केम वे घंटी बजा सकते थे जब बिल्ली आती या फिर ऑप्शन टू है दे कुड हियर द बेल वैन द कैट केम वह बिल्ली के आने से घंटी की आवाज़ सुन सकते थे तो यही ऑप्शन सही है द दे कुड हियर द बैल वैन द कैट कैम जब बिल्ली आती तो वह घंटी की आवाज़ सुन सकते थे और भाग सकते थे नंबर फाइव हु पुट द बैल ऑन द कैट किसने बिल्ली को घंटी बांधी ऑप्शन वन है नन किसी ने नहीं और नेक्स्ट ऑप्शन है द लिटल माउस नन्हे चूहे ने तो इसमें राइट right ऑप्शन है नन मतलब कि किसी ने भी नहीं कोई भी बिल्ली को घंटी नहीं बांध सका तो इसके लिए ऑप्शन जो पहला है वो राइट right है नन इसमें राइट right ऑप्शन है नंबर सिक्स वाई डिड द माइस रन आउट ऑफ द रूम चूहे कमरे से क्यों भाग गए ऑप्शन वन है दे हैड सीन द कैट उन्होंने बिल्ली को देखा नंबर टू ऑप्शन है नन वांटेड टू बैल द कैट कोई भी घंटी नहीं बांधना चाहता था तो यही राइट right ऑप्शन है नन वांटेड टू बैल द कैट नंबर सेवन व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस फैबल इस कहानी से हमने या हम सबने आपने क्या शिक्षा ली ऑप्शन वन इट इज़ गुड टू हैव अ प्लान यह अच्छी बात है कि योजना बनाई जाए और दूसरी ऑप्शन है अ प्लान इज़ नॉट गुड इफ़ इट कांट वर्क तो ऑप्शन नेक्स्ट ही जो दूसरी ऑप्शन है वही सही है कि अ प्लान इज़ नॉट गुड प्लान सही नहीं होता है इफ़ इट कांट वर्क यदि इस पर काम नहीं किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स प्लूरल्स होते हैं बहुवचन और सिंगलर्स होते हैं एक बचन जो एक शब्द होता है उसको अनेक कैसे उसको अनेक शब्द के लिए यूज़ करते हैं एक शब्द को उसी को हम प्लूरल्स कहते हैं नंबर वन है फुट फुट को फुट होता है एक पाँव और फिट होता है दोनों पाँव तो फुट का ऑप्शन प्लूरल फुट का प्लोरल है फीट और मैन का है मैन एम ई एन मैन बहुत सारे लोग और लाउस का है लाइस टूथ का है टीथ और माउस माइस वुमेन वुमेन नेक्स्ट है नाउंस आर द नेम